सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक चिड़िया और एक शिकारी की कहानी बताएंगे, जो अपनी जिंदगी में दुखी हैं, परेशान हैं, वह खास इस वीडियो को देखें, उन्हें बहुत हौसला मिलेगा, दुखों से कैसे निकलना है यह भी पता चलेगा। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, दूर किसी जंगल में एक शिकारी ने चिड़िया पकड़ने वाला जाल को लगाया। कुछ समय के बाद उस शिकारी ने देखा कि उसके जाल में एक चिड़िया फंस गई है। यह देखकर वह बहुत खुश होया और भागते हुए वह अपने जाल के पास आया। उसने उस चिड़िया को अपने जाल से निकाला और उसे मारने की कोशिश करने लगा। जब चिड़िया ने देखा कि यह शिकारी मुझे मार देगा, यह देखकर वह घबरा गई और बड़े अदब से उसे शिकारी से कहने लगी कि भैया, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे मारकर अगर आप खाएंगे भी तो आपका पेट नहीं भरेगा, इससे अच्छा है आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको जिंदगी की तीन अनमोल सीख बताऊंगी जिसे सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह सुनकर शिकारी ने सोचा कि यह तो सही कह रही है, इसे खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा, मेरे परिवार का गुजारा भी नहीं होगा, इससे अच्छा है कि मैं इसकी तीन सीख सुन लेता हूँ, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन अगले ही पालों से शिकारी ने सोचा कि कुछ ना खाने से बेहतर है, चाहे थोड़ा ही सही मुझे खा लेना चाहिए। शिकारी ने उसे फिर खाने की कोशिश की तो वह बोला, आप भाई मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, मुझे मारकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है आप जिंदगी की तीन अनमोल सीख ले लें, आपकी जिंदगी पक्का बदल जाएगी। शिकारी फिर सोचने लगा कि यह छोटा सा पक्षी है, जय मुझे क्या सीख देगा, जय मुझे बेवकूफ बनाकर भाग जाना चाहता है। यह सुनकर वह पक्षी बोला कि भैया, मैं आपको बेवकूफ क्यों बनाऊंगा और मैं कैसे आपको छोड़कर भाग सकता हूँ, आप ऐसा करें, मैं पहली सीख आपको अभी दे देता हूँ, जबकि मैं आपके पंजे में हूँ, आपकी कैद में फंसा हूँ, दूसरी सीख मैं आपको तब दूंगा जब मैं उस डाल पर बैठा हूंगा, और तीसरी सीख मैं आपको तब दूंगा जब मैं खुले आसमान में उड़ रहा हूंगा। शिकारी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और मान गया कि ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मुझे तुम जिंदगी की तीन अनमोल सीख बताओ। यह सुनकर पक्षी खुश हो गया और उसे कहने लगा कि सुनो, मेरी पहली सीख सुनो। वह पक्षी बोला कि उस बात पर तुम कभी भरोसा मत करना जो बात नामुमकिन हो। शिकारी को पक्षी की यह नसीहत, यह सीख बहुत अच्छी लगी और शिकारी ने उसे छोड़ दिया और वह पक्षी उड़ता हुआ एक डाल पर जा बैठा और बैठने के साथ ही कहने लगा कि सुनो मेरी दूसरी नसीहत, दूसरी सीख। वह चिड़िया बोली कि भाई, गुजरी हुई चीज का अफसोस कभी मत करना। यह सीख भी शिकारी को बहुत अच्छी लगी, वह खुश हो गया और तीसरी सीख का इंतजार करने लगा। वह चिड़िया बोली, शिकारी मैंने तुझे झांसा दिया है, मैंने एक बहुत कीमती हीरा निगल लिया है, अगर तू मुझे मार देता तो वह हीरा तुझे मिल जाता, जिसके बदले तुझे हजारों सोने के सिक्के मिलते और तुम्हारी जिंदगी बदल जाती, तुम्हारी गरीबी दुख परेशानियां दूर हो जाती। जय सुनकर उस शिकारी को बहुत पछतावा हुआ, वह चीखने चिल्लाने लगा, हाथ मार मार कर रोने लगा। काफी देर वह चीखता चिल्लाता रहा, फिर शांत हुआ और कहने लगा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे तुम तीसरी सीख बताओ। यह सुनकर वह पक्षी बोला कि तू कितना बड़ा मूर्ख है, क्या तुमने मेरी पहली दो सीख पर अमल किया जो अब मुझसे तीसरी सीख मांग रहा है।
क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि नामुमकिन चीज पर कभी भरोसा मत करना, गुजरे हुए समय पर अफसोस मत करना। वह चिड़िया बोली, ए शिकारी, मेरी बात को ध्यान से सुन। ये कैसे संभव है कि मैं एक बड़े हीरे को निगल सकती हूँ? मेरा गला कितना छोटा है, मैं एक हीरा कैसे निगल सकती हूँ? ये असंभव है, फिर भी तुमने असंभव बात पर विश्वास किया। यह सुनकर शिकारी को होश आ गया और सोचने लगा, यह तो बिल्कुल सच है, ओहो, ये मैंने क्या कर दिया। फिर शिकारी बोला, अच्छा ठीक है, तुमने मुझे 3 सीख देने का वादा किया था, अब जल्दी से मुझे तीसरी सीख बताओ। वह चिड़िया अपने पंखों को खोलकर खुले आसमान में उड़ने लगी और कहने लगी कि एक मूर्ख इंसान को कोई भी सीख देना बंजर जमीन पर कोई भी फसल उगाने के समान है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी इंसान आपको अपने अनुभव से कोई भी ज्ञान की बातें बताएं, कोई अच्छी सीख दे, तो उसे अपनी जिंदगी में जरूर लेना और उसे अजमाना, अपनी जिंदगी में लागू करना। बड़े किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनके पास सीख देने के लिए दोस्त होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। यह अनमोल खजाना किसी किसी के पास ही होता है। हम अपने जीवन से हर सीख ले, इतना समय हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमें दूसरों के अनुभव से भी जरूर सीखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरल, आसान और सुखी हो जाएगा। आप अपने बुजुर्गों की, आपको चाहने वालों की सीख को अनमोल मोती की तरह संभाल लें, आपकी जिंदगी सुखी और खुशियों भरी हो जाएगी। से इन बातों पर गौर जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना। अल्लाह ताला आपको हर दुख से महफूज फरमाए। आमीन।